तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम BSNL का नेटवर्क को कैसा देख सकते हैं, क्या हमारे एरिया में वो कैसा नेटवर्क है उसका, क्योंकि काफ़ी सारे करोड़ों बंदे हैं ना, वो मतलब जियो से एयरटेल से डायरेक्टली अपने BSNL में आ चुके हैं पोर्टिंग करके। बट काफ़ी सारे बंदों को नया सिम लेना होता है या पोर्ट करना होता है, बट उससे पहले उनको जाँच करना है कि उनके गाँव में वो रेंज है ही या नहीं, या बस सिम ले लेंगे और वेस्ट हो जाएगा उनका वो। तो इससे पहले आपको अपना नेटवर्क चेक कर लेना है अपने गाँव में कौन सा 3G है, 4G है, 5G है, कौन सी है, क्योंकि इसमें एकदम सस्ते प्लान है। मतलब 187 रुपये में 70 दिन, 2 GB रोज़, बहुत ही सस्ते प्लान है जो कि आपको अदर सिम में नहीं मिलते हैं। तो आज हम चेक करेंगे हमारा नेटवर्क हमारे गांव में कैसा दिखेंगे आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं देखो एक मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से अपने मोबाइल के शटर को ओपन करके सेटिंग्स में आ जाना है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाओगे और इससे नहीं कि आपके लाइव आपकी लोकेशन पता चल जाएंगी कि आपके गाँव में ये नेटवर्क है या नहीं, इससे पता करेंगे। कैसा करना है आगे बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने नेट को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद मोबाइल नेटवर्क्स का एक ऑप्शन शो होता है ना, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपको शो हो जाएंगा आपके इसमें जो भी सिम है, आप उसमें से एक सिम पे क्लिक कर देना इस तरीके से। अब जैसे आप अपने एक सिम पे क्लिक कर देते हो, नीचे स्क्रॉल करके आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप पे आ जाना है और आपका जो भी मोबाइल जैसा 4G सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट करता है, सबसे ऊपर आपको टॉप पे उसको सिलेक्ट करके रखना है। मेरे तरीका मेरे को 5G भी सपोर्ट करता है मोबाइल, मैंने 5G पे रख रखा है। उसके बाद ऑपरेटर पर क्लिक करना है। आपका कोई भी मोबाइल में सिम हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, BSNL भी हो सकता है या VI हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमारे को पूरे जैसा गाँव में कितने भी नेटवर्क से वो सारे के सारे शो हो जाएंगे कि कौन से एक्टिव है नेटवर्क हमारे गाँव में और कौन से 3G है, 4G है। तो मैं आपके सामने लाइव करूंगा इस तरीके से। आपको ये ऑटो सिलेक्ट ऑन होगा ना, तो इसको आपको ऐसे कट कर देना है और ऐसे ऑफ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और एक बार ऑफ कर देना है। अब इसके मदद से क्या होगा, जो भी आपके गांव के नेटवर्क है ना, वो सारे आपके मोबाइल में सर्चिंग होंगे कि आप जहाँ भी एरिया में वो कितने नेटवर्क है और कौन से एक्टिव है। तो चलिए अभी हम ऐसे थोड़ी देर वेट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये आपके सामने लाइव मैंने नेटवर्क बताया। इतने हमारे गांव में नेटवर्क अवेलेबल है, देखो देख सकते हो ये आपको बता रहा है। जैसे VI देखो, VI इंडिया 4G, VI इंडिया 2G, इंडियन एयरटेल 4G, उसके नीचे दिखा रहा है जियो 4G और BSNL हमारे गाँव में 2G बता रहा है। देख सकते हो BSNL मोबाइल 3G, BSNL मोबाइल 2G। तो हमारे गाँव में BSNL का 3G टावर है, मतलब हम यहाँ से सिम ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा नेट हमारा चलेगा इस तरीके से। तो इसको आपको डबल से ऑटो सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये तो हो चुका है आपका फर्स्ट तरीका। अब सेकंड तरीका आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना इस तरीके से और आपको यह देखो एक सर्च बार देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको सर्च करना है। उससे पहले आपको अपना नेट को ऑन कर लेना इस तरीके से और आपको यह सर्च कर देना है। देख सकते हो यह आपको सर्च करना है नेटवर्क चेक, देखो ये आपको लिखना है नेटवर्क चेक, आपको सर्च कर देना। देख सकते हो मैं यहाँ सर्च करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, आप चेक कर सकते हो। देखो नेटवर्क चेक पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको लिखा होगा एन परफ स्पीड टेस्ट, इस तरीके से आपको पहली वाली वेबसाइट मिलेंगी, इसी को आपको ओपन करना है। देख सकते हो ये वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएंगी, तो इसको आपको ऑन होने देना है पूरी से और ये रिफिल भर देना है आपको ऊपर से जो भी भर रही है। तो अब इस तरीके से होगा, इसके नीचे ओके पर क्लिक करना है। थोड़ी देर आपको यहाँ वेट करना है, ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, इस 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। आपको आपके सामने सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो कवरेज मैप का ऑप्शन, देखो आपको देखने के लिए मिल रहा है कवरेज मैप। ये आपको इस फर्स्ट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, तो आपके मोबाइल में ये रिफ्रेश हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके हमको मैप को ऐसे ओपन होने देना है क्योंकि हमारा सारा फंडा मैप से ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको को चेक करने से पहले आपको यह एरिया सेलेक्ट करना है। कैरियर पर आपको अपना जो भी सिम की नेटवर्क को जाँच करना है, जैसे मेरे को BSNL मोबाइल का, तो मैं उस पर सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से हो चुका है आपका। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हो याला, इस पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है दोनों भी। तो आपको ये देखो ओपन स्ट्री मैप पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको सर्च नेटवर्क, ये सर्च हेयर पे क्लिक करके आपको अपना गाँव का नाम डाल देना है, जो भी आपका गाँव का नाम है ना उसको डाल देना है। देखो मैं यहाँ डाल देता हूँ या मुंबई। उसके बाद सिंपल सा देख सकते हो नीचे आपको इस तरीके से बताएंगे जो भी एरिया है आपका उसको सिलेक्ट कर देना। अपना छोटा सा गाँव भी है ना, उसका नाम भी इसमें आ जाता है, सिंपल से वो देख सकते हो। अभी चलिए, अभी हम आपको नेटवर्क चेंज करना है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, देख सकते हो इस तरीके से आपको पहले आपके गांव के नाम बताएंगे, इसमें से गांव का नाम देख लेना है आपको और उसके ये जो लाइन दिख रही है ना, ये आपको कैसा समझेंगे मैं बताता हूँ।
अगर आपके गांव में बिल्कुल भी रेंज नहीं है तो आपको यह देखो थोड़ा ब्लैक बताएगा, थोड़ा ब्लू है मतलब 2G है, ग्रीन है मतलब 3G है, और अगर आपको इसमें ये बता रहा है देख सकते हो आपको तो 4G है, उसके बाद आपको थोड़ा डार्क बता रहा है तो 4G प्लस है, और एकदम आपको यह ब्लू बता रहा है थोड़े इसमें पिंक में तो ये 5G है आपका। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क बताएंगे, देख सकते हो ये आपको पूरी लाइना देखने के लिए मिल रही है इस तरीके से। तो ये आपके पूरे इस एरिया में आपको नेटवर्क का बताएगा कि आपका एरिया कैसा है और नेटवर्क कैसा है वहाँ, और आप पहले वाली ट्रिक करोगे तो आपके गाँव का पूरा एरिया ही आपको पता चल जाएगा। तो आप दोनों भी मेथड यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपको देखना है आपको सिम लेना है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।